एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सरोगेसी के जरिए मां बनने की जानकारी दी है। प्रियंका ने कहा है कि वो और उनके पति निक जोन्स अपने जीवन में सरोगेसी के जरिए बच्चे का स्वागत करते हुए खुश हैं। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शुक्रवार देर रात को इसकी जानकारी दी। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ये बताते हुए वो खुश हैं कि वो सरोगेसी के जरिए अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत कर चुके हैं। प्रियंका ने आगे लिखा कि हम अपने परिवार के लिए आपसे सम्मान के साथ आग्रह करते हैं कि इस खास समय में हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। आपका बहुत शुक्रिया। निक ने भी प्रियंका की इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। प्रियंका ने इसी महीने वैनिटी फेयर को दिए इंटरव्यू में कहा था, वो यानी बच्चे हमारे भविष्य की चाहत का बड़ा हिस्सा हैं। भगवान की कृपा से जब ये होना है होगा। जब प्रियंका से ये पूछा गया कि क्या मां बनने के बाद करियर फ्रंट पर उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी, तो उन्होंने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, हम दोनों ही इसके लिए तैयार हैं। अभी ये सामने नहीं आया है कि सरोगेसी के जरिए निक प्रियंका के घर बेटा आया है या बेटी। पिछले 2 साल में प्रियंका बॉलीवुड की तीसरी एक्ट्रेस हैं जो सरोगेसी के जरिए मां बनी हैं। इससे पहले सरोगेसी के जरिए 17 नवंबर 2021 को प्रीति जिंटा जुड़वा बच्चों की मां बनी थी। फरवरी 2020 में शिल्पा शेट्टी भी सरोगेसी के जरिए एक बेटी की मां बनी थी। सरोगेसी में कोई भी विवाहित जोड़ा बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर ले सकता है। सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि अगर कपल के अपने बच्चे नहीं हो पा रहे हों, महिला की जान को खतरा हो, या फिर कोई महिला खुद ही बच्चा पैदा नहीं करना चाह रही हो। जो महिला अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालती है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। इस महिला और बच्चे की चाहत रखने वाले कपल के बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है। इसके तहत इस प्रेगनेंसी से पैदा होने वाले बच्चे के कानूनन माता पिता वो कपल ही होते हैं जिन्होंने सरोगेसी कराई है। सरोगेसी 2 तरह की होती है, ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल। ट्रेडिशनल सरोगेसी में पिता का स्पर्म सरोगेट मदर के एग से मैच कराया जाता है। इस तरह की सरोगेसी में बच्चे का जेनेटिक रिश्ता सिर्फ पिता से होता है। वहीं जेस्टेशनल सरोगेसी में बच्चे की चाहत रखने वाले कपल के स्पर्म और एग्स का मेल टेस्ट ट्यूब के जरिए कराने के बाद इसे सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्रियंका ने अपने से 10 साल छोटे इंटरनेशनल सिंगिंग स्टार निक जोन्स से 2018 में शादी की थी। उस वक्त प्रियंका की उम्र 36 साल और निक की 26 साल थी। प्रियंका और निक ने 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन में ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग की थी। दोनों की जोड़ी को तब निक यांका नाम से बुलाया जाने लगा था। प्रियंका ने नवंबर में सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने नाम से जोनस हटाया था, तो उनके निक से अलग होने के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन ऐसे कयास सिर्फ कयास ही बनकर रह गए। अभी हाल में दोनों ने लॉस एंजलिस में अपने नए घर में दिवाली का जश्न मनाया था। तब प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर फोटो भी शेयर की थी। प्रियंका ने साथ में लिखा था, हमारी पहली दिवाली हमारे पहले घर में एक साथ, ये हमेशा खास रहेगी। उन सभी को शुक्रिया जिन्होंने इस शाम को खास बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। आप सभी मेरे एंजल्स हैं। उन सभी ने जिन्होंने मेरे घर को और मेरी कल्चर को सम्मानित किया, न सिर्फ ड्रेसेस से बल्कि पूरी रात नाचते हुए। और अपने बेस्ट पति और पार्टनर निक जोनस के लिए कहना चाहूंगी कि तुम हो जिसके सपने बने होते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा दिल बहुत आभारी और भरा हुआ है। जहाँ तक वर्क फ्रंट की बात है, तो प्रियंका चोपड़ा मैट्रिक्स 4, सिटाडेल और जीले जरा जैसे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। वहीं निक जोन्स ने हाल ही में रिमेम्बर दिस नाम से अपना म्यूजिक टूर पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा,
फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।